उन्नाव में चमनगंज शहर कानपुर नगर के निवासी प्रार्थी वासिक बेग पुत्र शारिक बेग ने बताया कि उनके फुफेरे भाई सलमान बेग को धारा 302 IPC के मुकदमे में चकेरी पुलिस द्वारा झूठा फंसा दिया गया था, जिसके संबंध में सलमान बेग के पिता द्वारा प्रार्थी से किसी तरह से जांच कराकर छुड़ाने की बात कही गई थी। प्रार्थी सफीपुर दरगाह पर आता जाता था, जहां से प्रार्थी की मुलाकात हसनैन बकाई से हुई। प्रार्थी ने बताया कि उसने कई काम लोगों के हसनैन बकाई को कराते हुए देखा था। प्रार्थी ने हसनैन बकाई से सलमान बेग को झूठा फंसाया जाने का जिक्र किया, जिस पर हसनैन बकाई ने प्रार्थी से कहा कि मेरे SSP कानून व अन्य अधिकारियों से अच्छे संबंध है, पैसा खर्च होगा, उनसे जांच करा कर पैसा देकर मुकदमे में नाम जो बढ़ाया गया है निकलवा कर छुड़वा देंगे। प्रार्थी ने ये बात अपने फूफा यानी सलमान बेग के पिता से बताई तो वो राजी हो गए, जिस पर हसनैन बकाई ने बताया कि 6 लाख का इंतजाम करके दो तो हम सलमान बेग के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगवा कर निकलवा देंगे। हसनैन बकाई की बातों में विश्वास करके प्रार्थी ने 2 साल पूर्व हसनैन बकाई को 2 बार में 6 लाख रुपए दिए और हसनैन बकाई प्रार्थी को बराबर आश्वासन देता रहा कि मैंने पुलिस अधिकारियों को पैसे दे दिया है, जांच चल रही है और जल्द ही नाम मुकदमे से हटा कर छोड़ दिया जाएगा।